मेरी चुन्नी वापस कर, मेरी चुन्नी वापस कर। हाँ बता दो तुझे। राधिका, राधिका, किंजल, सरिता, बता बता बता। हे भगवान, ये वापस शुरू हो गई। जाओ समझाओ इन लोगों को। समझाती हूँ। किंजल, अरे राधिका, किंजल, मम्मी मेरे बाल। तू छोड़, छोड़ राधिका, छोड़ राधिका, छोड़। अरे राधिका, तुम तो बड़ी हो ना बेटा, समझो ना थोड़ा। मम्मा आप हमेशा मुझे क्यों मना करते हो, उसे भी तो देखो। बेटा तू बड़ी है ना, चलो तुझे कचरे से लाए। किंजल, अरे किंजल, भगाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम दोनों? तू इधर जा, तू उधर जा। कचरे से लाए मुझे बाहर खेल। जब बेटा तू अंदर जा। कोई मुझे प्यार नहीं करता, बस सब उसकी तरफदारी करते रहते हैं। हे भगवान, ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। लगता था समय के साथ दोनों सुधर जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में ये सुधरने वाली हैं। सरिता, सरिता, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बच्चियां हैं, समय के बाद सब सही हो जाएगा। टेंशन मत लो, चाय पियो। मम्मी, अरे लगता है वापस शुरू। किंजल गई वापस। बुला मम्मी, मैं अभी आती हूं। किंजल, छोड़ूंगी नहीं मैं आज तुझे, छोड़ूंगी नहीं। भाग 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 भाग। मेरे फोन से क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से फोन छीनने की? फोन मेरा है, मैं चाहे जैसे रखूं। तुझे किसने ला कर दिया? पापा ने। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तो कूड़े से उठ के आई हूँ ना। फोन दे, फोन दे, दे फोन। लॉक खोल इसका। खोल ले, खोल ले। फेंक दूंगी, फेंक दूंगी, सोच ले। पासवर्ड बता जल्दी। देना मैं खोल के देती हूँ। पासवर्ड बता। मैं खोल के देती हूँ ना। पासवर्ड बता। देना मैं खोल के देती हूँ। पासवर्ड बता। तो मेरी बहन है ना। पासवर्ड बता। मैं पासवर्ड अभी बता। पासवर्ड बता। क्या बता दूँ, कुछ भी। पासवर्ड बता। कैसे? दूर रह, दूर रह, दूर रह, दूर रह, दूर रह। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। तू ही खेल ले, तू ही रख ले फोन। ये मम्मी, अरे चाचा नमस्कार। अरे नमस्कार रमेश। अरे बड़े टेंशन में लग रहे, क्या बात है? बैठ बैठ। अरे क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है घर में? बाकी सब तो ठीक ठाक है बेटा, वो हमारी दोनों बिटिया है ना, एक राधिका एक किंजल। हाँ जी हाँ जी। दिन रात लड़ती रहती है भाई, कुछ समझ में नहीं आता क्या भूत सवार है दोनों। ओ हो हो हो, क्या बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं। हाँ? पहचान वाले हैं। अच्छा? बहुत अच्छा से मेरे घर में विधि किए थे। ओके। वो क्या है, विधि कराने के बाद मेरे घर पे बहुत सुकून सा है, कोई चीज का टेंशन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। विधि कराने से सब कुछ हो जाएगा? बहुत अच्छे से करवा लीजिए विधि, आपके घर में एकदम सुकून सा हो जाएगा, जैसे मेरे घर में सुकून सा है। पंडित जी का नंबर है? हाँ है ना, तो दो ना बेटा। हाँ लीजिए। 81 0808 0803 0367 37 हाँ जी। नाम क्या है उनका? पंडित शुक्ला। शुक्ला जी है? हाँ जी। ये काम बहुत बढ़िया किया आपने। मेरा नाम बताइएगा तो आपका हो जाएगा पूरा काम। के पूछे कि क्या काम है और किसने नंबर दिया है तो मेरा नाम ले लेना। हाँ कह दूंगा, रमेश ने बताया। हाँ जी, चलो चले अब। अरे बढ़िया काम किया भाई। हाँ ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, अभी कर लेते हैं फोन। सुनिए जी, लक्ष्मीकांत जी का घर यही है। आप कौन? पापा को कहिए
पंडित जी आए हैं। पापा, कोई पंडित जी आए हैं आपसे मिलने। अच्छा सुनिए, आपका नाम क्या है? राधिका। बड़ा ही अच्छा नाम है। आइए बैठिए। पापा, कोई पंडित जी आए हैं। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मां। लोभ कभी ना कीजिए, जा में नरक निदान। तो बच्चा, लोभ कभी ना करना। अरे पंडित जी, नमस्कार नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। भाई, पता ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं लक्ष्मीकांत जी, कोई खास दिक्कत नहीं हुई। बाकी बताइए। बाकी सब बढ़िया है। अरे सरिता सुनो तो, पंडित जी आए हैं, इनके लिए कुछ फल वगैरह ले आइए काट के। और बताइए लक्ष्मीकांत जी, सब कुशल मंगल है? बिल्कुल कुशल मंगल है पंडित जी। ये लीजिए पंडित जी, ये हमारी पत्नी जी सरिता जी। नमस्ते। और ये है पंडित शुक्ला जी, जी। जो हमने बात की थी। हाँ हाँ। बड़ी बेटी से तो आप मिल चुके जी। लो, ये है हमारी छोटी बेटी किंजल। अच्छा, क्या हो रहा है? बहुत ही प्यारे बच्चे। मम्मी, रिमोट किधर है टीवी का? मेरे को WWE देखना है। तो चोर, तूने लिया ना रिमोट? मैंने नहीं लिया। मुझे पता है कि तूने ही लिया है। मेरे पास नहीं है। राधिका, तुम्हारे पास रिमोट है? नहीं पापा, मैंने नहीं लिया रिमोट। मैं बता रही हूँ ना, इसी ने लिया है। मेरे पास नहीं है। ये तू लेकर आई है ना, ये ले, रख अपना। मेरे कपड़े फेंक दिए, ये ले। राधिका, किंजल, अभी इसने मुझे झाड़ू मारी है, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। ये ले। राधिका, किंजल, राधिका, बंद करो ये लड़ाई। मुझे मारती है, ये ले। अरे कोई मेहमान आया, देखो तो सही, कुछ शर्म करो। राधिका, किंजल, किंजल, राधिका, किंजल, अरे तुम दोनों, अरे समझाइए ना कुछ। शट अप, क्या हो रहा है ये सब? जब देखो टीवी के लिए लड़ो, इसके लिए लड़ो। तुम्हारा टीवी ही बंद करवा देता हूँ मैं, केबल ही कटवा देता हूँ मैं फोन करके। सरिता, केबल कट जाना चाहिए। नहीं पापा, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हमेशा इसकी वजह से ना मेरे साथ ही ऐसा होता है। शट अप, बिल्कुल चुप रहो तुम, और निकलो दोनों यहाँ से। जब देखो लड़ती रहती है। देखा पंडित जी आपने, इतनी बड़ी हो गई मगर इनका तमाशा यही चलता रहता है। इसी बात से मैं बहुत परेशान हूँ, इसका कोई उपाय वगैरह हो सकता है क्या? लक्ष्मीकांत जी, अभी हमने जो लड़ाई देखी वो कोई आम लड़ाई नहीं है। मतलब? जरूर इनकी कुंडली में कोई दोष है। तो क्या किसी तरह निकाला जा सकता है? बहन जी, जाइए आप इनकी कुंडली लेकर आइए, अभी देखकर बता देंगे क्या दोष है और उसका उपाय भी। हाँ सरिता, कुंडली ले आओ जल्दी। जी, अभी लाती हूँ। बहुत परेशान हूँ इन दोनों बच्चियों से। सारा दिन पता नहीं क्या है, एक चुप रह नहीं सकते। अभी देखा हमने। ये लीजिए पंडित जी, कुछ उपाय बताइए देख के। जी जरूर। घोर अनर्थ, महापाप, महाजंजाल है कुंडली में। अगर जल्द से जल्द इनके नाम से विधि नहीं कराई गई तो इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं पंडित जी, आप जब कहे तो विधि करवा लेते हैं। तो ठीक है। हाँ पंडित जी, आप अपना समय वगैरह बता दीजिए और सामग्री वगैरह जो भी होंगी हम ले आएंगे, आप लिख दीजिए बस। ठीक है, हम विधि की सामग्री लिखवा देते हैं, आप जाकर लेकर आइए। बिल्कुल। और कल शनिवार है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है,
हम कल ही विधि कर देते हैं। अच्छा पंडित जी। शुभ कार्य में देर क्यों, कल ही कर देते हैं पंडित जी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जी प्रणाम। सरिता। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली ओम फट स्वाहा। भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली ओम फट स्वाहा। ये प्रसाद ग्रहण करो। आप ही लीजिए। विधि संपन्न हुई। लक्ष्मीकांत जी, बहन जी, हमें एक और विधि करनी होगी, जिसमें मैं और राधिका बैठेगी। ये विधि हम रूम में जाके करेंगे। चलिए आइए। अच्छा आप लोग बाहर जाइए, हम एकांत में विधि करेंगे। आ जाओ। हाँ चलो बेटा। क्यों, मैं भी यहीं बैठूंगी। अरे चलो बेटा, अभी राधिका की विधि होगी। तो इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है? हर चीज इसकी पहले होती है, मेरी भी विधि होगी। किंजल बिटिया, अभी राधिका की विधि है, अभी आप बाहर जाइए, आपकी बाद में होगी। हर चीज इसको ही पहले होती है। चलो चलो। बहुत ही सुंदर हो तुम। कितने कोमल हाथ हैं। जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी हम तुम्हारे प्यार में पागल हो गए थे। शर्मा क्यों रही हो? ये लीजिए लक्ष्मीकांत जी, अब ये कभी नहीं लड़ेगी, है ना? जाओ अंदर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपकी वजह से मेरी बच्ची ठीक हुई। आते रहिएगा। दक्षिणा। अरे सरिता। हाँ पंडित जी के लिए दक्षिणा लेके आइएगा। हाँ हाँ आ रही हूँ। एक मिनट। नीचे। फिर से एक बार धन्यवाद। भगवान आप लोगों का कल्याण करे। अब मैं चली गेम खेलने। कौन सा गेम खेलूं? हाँ ये खेलती हूँ।
किसका फोन है? ये किसका फोन है? चोरनी का? ये चोरनी का फोन है क्या? ये चोरनी? किंजल हट जाना, परेशान मत कर। तेरा फोन है मेरे पास जो पापा ने दिलाया है। हाँ तू रख ले। क्यों? पापा की लाडली का फोन है ये, जिसमें हम गेम खेल रहे हैं। किंजल तू खेल ना उधर, मुझे सोने देना प्लीज। कैसे हो बच्चा? किंजल तू सुधर जा। हाँ आइए पापा बैठिए। तेरा क्या करूं मैं? तू इसको कुछ बोलती क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? याद किया और शैतान हाजिर है। राधिका के पापा, हाँ हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका इतनी समझदार हो जाएगी। सही कहा तुमने। देख रहे हैं पंडित जी के पूजा के बाद कितनी समझदार हो गई है। पर इस पगले का क्या करें? ये वैसे की वैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं आया रत्ती भर। किंजल मत करना। देख लो मैं क्या सोचता हूँ, जैसे ये शांत हो गई है, इसकी भी क्यों ना एक बार पंडित जी को बुला के विधि करवा दे। हाँ आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। किंजल मम्मी मैं अंदर जा रही। किंजल इसका कुछ करना पड़ेगा, आज ही पंडित को बुला लेते। हाँ ठीक है, आज ही पंडित जी को बुलाइए। पापा की परी डर गई। चुड़ैल के सपने में चुड़ैल आई है ना? दीदी 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 क्या हुआ? दीदी आप रो क्यों? दीदी आप रो क्यों रहे हो? डर गए क्या? चुप हो जाओ दीदी, चुप हो जाओ। क्या हुआ, बुरा सपना देखा क्या? अच्छा अच्छा मैं हूं ना साथ में, आओ सो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सो जाओ सो जाओ, चुप हो जाओ सो जाओ। बैठिए पंडित जी, बैठिए। ठीक है पंडित जी। जी अब जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। राधिका के पापा पूजा की सारी सामग्री बाजार से ले आएंगे। बिल्कुल, पिछली बार विधि हुई थी वैसी ही होंगी ना। जी जी लीजिए। आ गई मैडम। राधिका क्या हुआ भाई? पंडित जी बैठे है, पैर छो आशीर्वाद लो। हाँ हाँ आपको तो जरूरत भी है। राधिका <राधिका?
राधिका, राधिका। कोई बात नहीं बहन जी, बच्ची है, मन नहीं होगा। हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते। चलिए नमस्ते जी। राधिका को बुलाओ। हाँ मैं बुलाती हूँ। राधिका, राधिका, ये क्या तरीका है? राधिका क्या हुआ बेटा? और तू पंडित जी को देखकर ऐसे क्यों भाग आई? राधिका क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे राधिका के पापा, जरा देखिए ना, ये रोए जा रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? राधिका क्या हुआ? राधिका, हे बच्चा क्यों रो रही है बेटा? देखिए क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है बताओ तुम्हें मेरी कसम। क्या हुआ बेटा? मम्मा, पापा। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? नमस्कार, नमस्कार शुक्ला जी। अरे भाई वो सामग्री वगैरह तो मैं सब ले आया हूँ। आप शनिवार को ही आ रहे हैं ना विधि करने? हाँ हाँ, बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है, बस आप आ जाइए। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। ओम भाग भृगे भगनी भगोदरी भस्म से योली, ओम फट स्वाहा। प्रसाद ग्रहण करो। आप भी प्रसाद लीजिए। बहन जी प्रसाद। विधि संपन्न हुई, अब आगे की विधि हम अंदर करेंगे। चलो छोड़ दो, छोड़ दो उसे। आओ चल। आइए इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए। चलिए देखते हैं। ये तो ड्रग्स है। ये सब मुझे नहीं पता, आप वो देखिए। चलिए। आज मेरी पूजा होगी। आप लोग बाहर जाइए। हाँ, दरवाजा बंद कर देना। उसकी भी ऐसे ही पूजा हुई थी ना, ऐसे बैठी थी।
बहुत समझदार है आपकी बेटी। हाँ पंडित जी वो तो है, और समझदार बना दूंगा। चलो विधि करते हैं। हाँ कैसे करेंगे विधि? हाँ ऐसी होगी विधि, मैं बताता हूँ। मेरे बाल। अब अपने कपड़े उतारो। आप भी उतारो ना, फिर आप भी तो विधि में बैठे हो। चलो चलो जल्दी उतारो। मैंने अपने उतार दिए, अब तो तुम अपने कपड़े उतारो। ये मैं खोलूंगी। आप लोग पुलिस। अबे पाखंडी पंडित, तेरी पूरी पोल खुल चुकी है, अब ये बता तूने ऐसा क्यों किया? पुलिस भी विधि में बैठेगी क्या? तो चुप बैठ। जब मैं पहली बार लक्ष्मी कांत जी के घर आया तब मैंने राधिका को देखा और उस पर मोहित हो गया। फिर मैंने कुंडली में शनि के दोष होने का नाटक किया और विधि रखवाई। उस विधि में मैंने प्रसाद में नशा मिलाया और राधिका को खिला दिया। फिर मैंने उसके साथ रेप किया। मुझे माफ कर दीजिए पुलिस साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल सारे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। लक्ष्मीकांत जी अभी तो हम जाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पाखंडी पंडित को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकूं। चल जाओ इसे लेके। शाबाश मेरी बच्ची।